तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए, और आप लोग बोलते हैं कि इतना पैसा कमाए हो तो क्या किए हो। तो हम लोग देखिए दोस्तों क्या किए हैं। देखिए ये दो मंजिला बिल्डिंग खड़ा किए हैं, ये YouTube का पावर है दोस्तों। हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है, देख सकते हो, रंगीला फैमिली ब्लॉग्स इनका एक YouTube चैनल है जहाँ पर ये फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। इनका एक बच्चा है ना शायद, एक ही बच्चे है। दो बच्चे अभी जी जी। दो बच्चे हैं, अपनी वाइफ और ये, चार लोग रहते हैं और फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बता दूं, आप लोग बहुत कोई ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहे होंगे, व्यूज नहीं आता, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, कमेंट आते रहता है मेरे वीडियो पे। इनका अभी एक साल चैनल का कम्प्लीट भी नहीं हुआ है, जून में होगा ना, कितना जून को? 1 जून को होगा, 1 जून को पूरा होने वाला है, मतलब 11 महीना अभी हो रहा है और सब्सक्राइबर 4 लाख होने वाला है, समझ रहे हैं? सिर्फ 11 महीना में 4 लाख सब्सक्राइबर बना लिए हैं और आज के डेट पे इनके यूट्यूब चैनल पर एवरेज व्यूज 150, 200, 250 के पर वीडियो में आपको व्यू देखने को मिलता है। तो जब इतना व्यू आता है, ब्लॉग कैटेगरी के चैनल है, तो आज की इस वीडियो पे जो आप लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि कमाते कितना है वो भी बताएंगे, ठीक है? क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि पैसा कितना कमाते हैं, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन उसी में मिलता है कि पैसा कितना कमाते हैं। जब कोई सुनता है ना कि हाँ यूट्यूब साहब लाखों कमा रहे हैं, तब यूट्यूबर हमको भी बनना है, तो वो भी आप लोग को आगे पता चल जाएगा। और इस तरह का वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोचा कि कैजुअली इस वीडियो को बनाया जाए, ज्यादा प्रोफेशनल रहने से भी मजा नहीं आता है ना, नॉर्मल एकदम बना रहे हैं जी जी। और इनका नाम, पहले तो अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं ये बताइए। तो मेरा नाम हुआ संजीव कुमार और हम गोला से बिलोंग करते हैं, जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड जी जी, झारखंड। मैं बता दूं दोस्तों, मैं भी हूँ झारखंड, ये भी है झारखंड, दोनों झारखंडी है। तो सबसे पहले तो जोहार आप सबों को जो झारखंड से देख रहे हैं, नमस्कार, जोहार, ठीक है। अब इनका नाम है संजीव, लेकिन चैनल का नाम रखे हैं रंगीला फैमिली ब्लॉग्स। तो रंगीला नाम आपने क्यों रखा चैनल का? रंगीला मेरा जो बाबू है ना, जो मेरा लड़का है, उसको गाँव में उसको प्यार से रंगीला रंगीला बोलने लगा, तो हम लोग सोचे कि मतलब इसको जो है एक यूनिक ही नाम दे दें, क्या है कि अब रंगीला तो सब कोई जानते ही है और बाबू मतलब ऐसे भी पूरा एकदम इतना मतलब तेज है ना कि मतलब वो बोलते रहता है कुछ भी मोबाइल में, हेलो दोस्तों, है दोस्तों, ऐसे कर रहता है। तो हम लोग उसी के नाम पे हम लोग मतलब रख दिए हैं रंगीला फैमिली। तो आपने मतलब बेटा के नाम से इन्होंने रखा हुआ है चैनल का नाम रंगीला फैमिली ब्लॉग्स। तो ये एक राज खुल गया, काफी लोग सोचते थे कि रंगीला नाम इनका है, मैं भी अभी रंगीला रंगीला बोल रहा था जब ये आए हुए, तो मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप शादी किए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ आप ब्लॉग्स बनाते हैं, जो कि कपल ब्लॉग आज के डेट में काफी चलता है यूट्यूब पे, वैसा ही कैटेगरी आपका भी है कॉन्टेंट वैसा ही। तो आपने शादी यूट्यूब के बनने के बाद किया था या फिर यूट्यूब से पहले ही शादी? पहले ही शादी किए थे, 2018 में ही शादी किए हैं। ये सवाल ही मेरा ही गलती था, लेकिन हम जब बोले कि 11 महीना में हो गया 4 लाख, 11 महीना पहले से शादी हुआ नहीं है, दो बच्चा है, एक गलत क्वेश्चन हो गया था। एकदम एक नंबर चल रहा है वीडियो। तो ये बताइए संजीव जी कि आपका यूट्यूब पे आने का आइडिया कैसे आया, मतलब किसको देख के आप इंस्पायर होकर यूट्यूब पे आए हैं? सबका एक इंस्पिरेशन होता है ना, किसी को देख के हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, आप किसको देख के यूट्यूब पे आए थे? एक्चुअली में सर हम जो है ना यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है और यूट्यूब में मतलब वीडियो भी बना करके डालते हैं, ऐसा मतलब हमको कुछ ऐसा अनुभव नहीं था इसके बिल्कुल में ना, हमें पता ही नहीं था इसके विषय में, हमको बिल्कुल ही जानकारी नहीं था। तो आप लोग मतलब जानते ही हैं कि विजय रिया ब्लॉग्स जो आज झारखंड में ब्लॉग की कैटेगरी में बहुत फेमस हो चुके हैं, कपल ब्लॉग सबसे, हाँ, मतलब एक कपल ब्लॉग में, तो वो जो है मतलब उनसे एक फोन के जरिए बात हुआ। हम बाहर में काम करते थे, ड्राइवर का काम करते थे, गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो मतलब वही मतलब हम बैठे हुए थे, मतलब गर्मी का छुट्टी हो गया था, तो छुट्टी हो जाने के बाद में जानते ही हैं कि फ्री का पैसा तो कोई देंगे नहीं, तो ऐसे ही में हमको जो है बोले कि अब जब तक स्कूल खुलेगा नहीं तब तक आप तो घर जा सकते हैं, अभी मतलब रह के भी क्या कीजिएगा। अच्छा, तो हमको छुट्टी हो गया, तो हम इसी तरह से सोच रहे थे कि काम उनका बारे में मतलब तलाश करने के विषय में सोच रहे थे। तो विजय जी का जो है मतलब फोन आया, उनसे पहले से मेरा दोस्ती यारी था, तो उनसे मतलब फोन के जरिए बात हुआ और बोले कि मतलब हम ही पूछे कि अभी आप क्या कर रहे हैं विजय जी, मतलब उनसे पूछे तो बोले कि अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो हमको मतलब एक बार ऐसा सुनाई दिया ना, जैसे ब्लॉग होता है ना प्रखंड, वहाँ पर काम कर रहे हैं शायद, हो सकता है कि बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुआ है। अच्छा, सकता मतलब है कि नया काम पकड़ लिए होंगे ब्लॉक में। विजय जी बोले हैं कि ब्लॉग बनाते हैं, इनको लगा कि ब्लॉक में काम करते हैं, जब पंचायत जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, हम लोग का हर एक ही में थाना में जो होता है बलियापुर जैसे हमारा थाना, तो वहाँ पे एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक बनाते हैं, मतलब ब्लॉक में काम, ब्लॉक में काम करते हैं, इस टाइप का बोले। तो ब्लॉक में काम मतलब हमको सुनाई दिया ब्लॉक, जैसे ऐसे भी मतलब नॉर्मल भाषा में सुनाई देवे करता है, मतलब ब्लॉक में ही मतलब काम कर रहे हैं उस टाइप का। तो हम पूछे कि क्या काम करते हैं ब्लॉक में, तो नहीं वो नहीं, जो यूट्यूब में जो वीडियो बना करके डालते हैं ना ब्लॉग, जो अपना जो काम है घर का खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, वही चीज को डालते हैं,
तब हमको अचानक अरे बाप ऐसा भी डला था, तो उससे क्या होता है? फिर पूछने लगे, बोलते हैं उससे भी जो है हम लोग का अपना घर परिवार चल सकता है, लोग लाखों कमा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो हम लोग अगर पार्ट टाइम में भी इसको करेंगे ना तो हम लोग का घर परिवार तो चल ही जाएगा, इस टाइप का बताए। तो उसी समय से हम इंस्पायर हो गए इनका जुबान को सुन करके। फिर जो है बताए, मतलब अपने चैनल का नाम बताए विजय रिया ब्लॉग्स है, फिर आप देखिए मतलब हाँ क्यूट कपल का भी नाम दिए कि देखिए लोग जो है बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं इस तरह का। तो देखिए वहाँ फिर हम जो है व्यूज भी नहीं समझ पा रहे थे कि व्यूज ये वाला व्यूज है ये, मतलब हम बिल्कुल ही अनजान, एकदम नॉलेज नहीं, एकदम नॉलेज नहीं था। फिर इस तरह से बताए, ये पूछे कि मतलब विजय जी कि मतलब कितना व्यूज आया है, देखे वो व्यूज को ला के देखते हैं जी, यहाँ पर तो देखे वो अंगूठा जैसा दिया हुआ है, लाइक वगैरह देख रहे हैं, टाइप का अंगूठा टाइप का देख रहे हैं, व्यूज को ला के बोलते हैं। तो फिर वहाँ पर देखे इनका जो है मतलब उस समय 50-60 हज़ार व्यूज मतलब आ रहा था प्रत्येक, मतलब वीडियो में देख रहे थे इस तरह का व्यूज आ ही जा रहा था सब में। तो इस तरह का देखते देखते जो हम इंस्पायर हो गया, फिर इनसे काफी जानकारी लेने का प्रयास किए विजय जी से, और फिर उनसे सीख सीख के फिर बनाए चैनल बनाए, और हम एक वीडियो बनाए, और सबसे पहले तो हम 1 जून को चैनल खोले, उसके बाद चैनल खोलने के बाद में हम फर्स्ट वीडियो एक ठो बनाए जो आटा का स्वादिष्ट छिलका रोटी जो बनाए वो मेरा सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, पहला वीडियो ही था चैनल का, वही सबसे ज्यादा वायरल हुआ, सबसे ज्यादा वही वायरल हुआ, मतलब सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते अभी, लेकिन उस टाइम पहला वीडियो ही वायरल, वही वायरल हुआ था, छिलका बनाने का आप दिखाए थे, हाँ छिलका बनाए थे हम इनका चैनल पे। आपका चैनल पे मैंने भी देखा कि आपका रेसिपी वाला वीडियो ज्यादा चलता है, जैसे कुछ बनाते हैं अगर गांव देहात वाला जो खाना हम लोग आता है जो सबको नहीं पता होता है। और मेरा वो जो वीडियो का लेंथ जो था 15 मिनट से भी ज्यादा था, लेकिन बहुत अच्छा उसका जो है ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी काफी बढ़िया था, मतलब व्यूज भी अच्छा जा रहा था, मतलब सब चीज क्लिक थ्रू रेट भी सब चीज बढ़िया था। तो हमारा अंदर में दिल में जो है ना पूरा हिम्मत बढ़ गया कि आप करें, हम भी मतलब कर सकते हैं। तो इसी तरह से बनाते गए, फिर विजय जी भी काफी मोटिवेट करते गए, इसी तरह से बनाए और बनाते गए। हमारा एक वीडियो में मेरा मोनेटाइज हो गया, और उसी महीना से मेरा पेमेंट भी चालू हो गया, बता जी जी भैया। अब तो हमारे जो है जीवन में ना काफी परिवर्तन हुआ है यूट्यूब के माध्यम से, बस हमारे ऑडियंस को लाख लाख शुक्रिया कहेंगे और यूट्यूब को भी लाख लाख धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक को मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये स्टोरी सुनकर के डिमोटिवेट मत हो जाना, आप लोगों को लगेगा भाई हम लोग तो 2-3 साल से काम कर रहे हैं कुछ ग्रो नहीं हो रहा ना व्यूज आ रहा, इनका पहला वीडियो वायरल हो गया, पहले वीडियो से सब्सक्राइबर बन गया, पहला वीडियो से मोनेटाइज हो गया, पहला वीडियो से पेमेंट आ गया, जो कि करने में लोगों को सालों लग जाता है। तो देखिए किसी का कॉन्टेंट ही ऐसा होता है ना कि चल जाता है, जैसे इंडिया में उस टाइम अभी थोड़ा सा कम हुआ, उस टाइम कपल ब्लॉग वो ट्रेंड में था, अभी थोड़ा सा क्रेज कम हुआ है, ठीक है धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत था, आपने पहला वीडियो बनाया। प्लस क्या है कि इनका जो लाइफस्टाइल है ना एकदम गांव वाला है, एकदम जो लोअर ग्रेड का जो लाइफस्टाइल होता है वो है, जिससे क्या एकदम प्योर गांव देहात का, जंगल हो गया, कलवट घर आपका बहुत वायरल चलता है, जो आप वीडियो सबसे ज्यादा जो वायरल गया है, तो हाथियों से बचने का जो देसी जुगाड़ बनाए हैं हम लोग कलवट घर के अंदर में, वो 17 मिलियन व्यू चला गया है। तो इनका ऑडियंस जो देखने वाला है वो बाहर बाहर से ऐसे लोग देखते हैं ना जिनको वो सबके बारे में पता नहीं कि आखिर साला ये कैसा घर है, गोल सा पाइप है उसमें घुस के बैठ रहा है सोना है, तो लोगों को यूनिक लगा, ठीक है छिलका बना रहे हैं, फैमिली लाइफस्टाइल इतना दिखा रहे हैं कि मिट्टी का घर वगैरह, तो ऑडियंस उसका कैटेगरी का था, तो पहला ही वीडियो वायरल हो गया। लेकिन सबका जरूरी नहीं कि पहला ही वीडियो वायरल हो जाए, मेहनत लगता है, सालों मेहनत लग जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि हार मान के इनका स्टोरी सुनकर के यूट्यूब छोड़ो भाई, उनका किस्मत था, इसका लक था, हो गया, ऐसा नहीं होता, मेहनत करोगे तो ही सब कुछ होगा। अब आप ये बताओ आप कितने पढ़े लिखे कितने हैं, सब कुछ खुद कर लेते हैं, थंबनेल वगैरह अपलोड करना, उतना तो नॉलेज है, बहुत कुछ तो जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उतना टाइटल थंबनेल कैसे लगाया जाता है, एडिट वगैरह कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में नॉलेज है, बहुत कुछ जानकारी नहीं है, और बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो यूट्यूब से अभी कमाई पूछने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने यूट्यूब से अभी कमा करके क्या क्या, आपका लाइफ में क्या परिवर्तन आया, आपने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या लिया यूट्यूब के पैसे से। यूट्यूब के पैसे से तो मतलब अगर बड़ा अचीवमेंट में देखा जाए तो हम एक घर बनवाए हैं, वो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसको भी कम्प्लीट करेंगे बहुत जल्दी। तो बस अभी विशेष करके ज़्यादा अभी घर पर ही फोकस किए हैं, तो घर बना रहे हैं, और कलवट घर भी मतलब देखने में लग रहा है कि वो सिंपल घर है, खर्चा नहीं होगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी खर्चा लग रहा है, क्योंकि जो है ना अभी के डेट में लकड़ी वगैरह लाने का किसका फुर्सत है, कौन लाते हैं, मतलब वो सब तो खरीद के ही लाना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी खर्च हो रहे हैं। तो वही सब को मतलब अभी ज़्यादा फोकस किए हैं, और ज़्यादातर सामान वगैरह हम लोग खरीदे नहीं हैं, और हमारा बस घर में ही फोकस है ज़्यादा। बाकी गाँव वाला का, घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है? घर वालों का तो हमेशा ही हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, मम्मी पापा भी काफ़ी सपोर्ट किए हैं, आज तक कभी
कोई विरोध नहीं किया है और मेरी जो वाइफ है वो भी अच्छे खासे से मतलब जो है समझदार है, मतलब सपोर्ट काफी करती है अभी, मतलब कोई तरह का आनाकानी नहीं होता है हमारा परिवार में कि आजकल सब काम छूट गया, जैसे होता है ना लोग मतलब दूसरे लोग हमको कहते हैं सब काम पूरे ले आप मतलब यह वीडियो बना काम, मतलब जैसे गांव देहात का खेल भाषा कैसे होता है, मतलब ताना मारना सब काम पूरी गए आप वीडियो बनाता है इस टाइप का बोलते हैं। तो यूट्यूब से आप अभी सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका घर है कि घर बना रहे हैं, और ब्लॉग बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, क्या क्या कुछ इक्विपमेंट माइक वगैरह ये सब? बस अभी तो मोबाइल से ही बनाते हैं, खाली मोबाइल से ही जी, अब कोई ट्राइपॉड नहीं, कोई स्टैंड नहीं, माइक वगैरह कुछ नहीं। इसलिए ये सवाल पूछ लिए कि आप लोगों को भी पता चले ब्लॉगिंग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, अगर आपके पास एक फोन रहेगा तो आप उसी से कर सकते हैं, ना आपको माइक लगाना है ना आपको स्टैंड चाहिए, हाथ से फोन को पकड़िए सिंपल तरीके से बनाइए। उसी से देखिए 4 लाख सब्सक्राइबर हो गया ना, होने वाला है ना, होने वाला देखिए एकदम। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अभी तक, जिसने अभी तक इतना लंबा वीडियो को देख लिया होगा। बताइए इनकम क्या है आपका, कितना कमा रहे हैं अभी यूट्यूब से? तो हम जो है ना पहले मतलब सभी को पता है कि हम जो है मजदूरी करते थे और गाड़ी वगैरह चलाते थे, मतलब सारे काम किए हुए हैं मजदूरी का, मतलब जो भी तरह का मतलब काम होता है बाहर में बहुत काम किए हुए हैं। तो जो मतलब महीने का हमारा जो मजदूरी मिलता था, मतलब जो हम मजदूरी महीने का कमा करके एक साल में जो हम कमाते वो हम महीना में कमा जाते हैं। अच्छा, मजदूरी अगर कर रहे होते जी, अगर मजदूरी हम करते तो अगर उसको हम अगर एक साल में अगर जोड़ेंगे तो जो एक साल में होगा वो हमारा महीना में आ जाता है। दोस्तों इससे बड़ा आंसर और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप नॉर्मल एक काम करते, मतलब ये अगर प्राइवेट कहीं जॉब करते, मजदूरी करते, ड्राइविंग करते, तो जो साल में वहाँ पे कमाते ना वो महीने में ही अभी यूट्यूब से कमा लेते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं, और इसके पीछे यही है कि मेहनत भी है, पर डे वीडियो डालते हैं ना? जी पर डे डालते हैं, हर एक दिन इनका एक व्लॉग आ जाता है जो कि सुनने में आसान लगता है, आप लोग कभी ट्राई करके देखना फिर पता चलेगा कैसा लगता है। ठीक है, मेहनत नहीं होता काफी है दोस्तों, क्योंकि इतना मतलब समझिए कि वहाँ जो मेहनत करते थे ना वो मेहनत यहाँ करना पड़ता है, बस यही चीज है बस। लेकिन मेहनत दोनों जगह करते हैं, वहाँ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था और यहाँ बस बोलने दिमागी वाला मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक चीज है ना, एक सत्य बात है कि आप मजदूरी कर रहे हो या फिर ड्राइविंग करते थे, वहाँ भी चैन का नींद नहीं मिलता था, अभी भी चैन का नींद नहीं मिलता है, मतलब मेहनत दोनों जगह पे है। लेकिन वहाँ जो कमाते थे पूरा साल का जो कमाते थे वो हम एक महीना में कमा जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये चीज हुआ। और लाइफ में भी मतलब धीरे धीरे चेंज हुआ, और कमाई से भी सबसे ज्यादा हम अहमियत रखते हैं, तो कमाने का तो कहीं भी नून रोटी कमाने मतलब खाने इतना तो कहीं भी कमा लेगा, लेकिन जो यहाँ पर जो ये कुछ छवि बन रहा है, जो यहाँ पर जो मान सम्मान मिल रहा है, जैसे आपके साथ जो बैठने का हमको मौका मिला, अगर शायद हम गाड़ी चलाते ही रहते तो हो सकता है कि हम आपके पास नहीं आते, आ पाते हम। ये भी बहुत अच्छा आंसर था, ये भी बहुत अच्छा बात था। हम भी जैसे कि अभी संदीप सर के वहाँ से आए, आप गए जी उनका सेशन में, एक टाइम उनका वीडियो देखते थे, जाकर के अपना उनके सेशन में जाकर के बैठने का मौका मिला उनके साथ एज ए गेस्ट। ये सबसे बड़ा हम अहमियत देते हैं इसको, मतलब नून रोटी चलने इतना जो नहीं यूट्यूब कर रहे हैं, जहाँ जो सोशल मीडिया में नहीं, लेकिन पेट चला ही रहे वो लोग, लेकिन जो इसमें इज्जत मिलता है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, जैसे बड़े बड़े लोगों से मिलने का, बड़े जगह पे जाने का, जैसे यहाँ पर अगर हम यूट्यूब में शायद नहीं रहते तो हम यहाँ धनबाद आते भी नहीं, और आपके साथ आने बैठने का मौका भी नहीं मिलता, और आपके साथ वार्तालाप देखिए अभी यूट्यूब के ही माध्यम से आपके साथ में वार्तालाप, आप यहाँ पे बैठ पाए क्योंकि आपने उस मुकाम पे अपने आप को लेके आया है ना। जी, तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मेरे से मिलना है या फिर कोई भी यूट्यूबर से मिलना है, कोई भी बड़े क्रिएटर से मिलना है, तो आप अपने आप को उस मुकाम पे लेके आओ, ताकि आपको खुद मैं बुलाऊं, आपको आना ना पड़े। मैंने खुद बुलाया इनको संजय जी, एक दिन आइए है ना, कल ही मैं विजय जी को बोल रहा था कि उनको मिलने के लिए आना है, तो आप बोलिए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल ले। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बहुत ही कैजुअल इंटरव्यू था, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, थोड़ा फन भी था, थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी था, थोड़ा मोटिवेशन भी था। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इनका चैनल को भी देख लेना जाकर, मैं मेंशन कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।